एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। दिस इज सीमाक्षी एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ बहुत टाइम बाद। आई थिंक मुझे ना एक महीना होने वाला है और सब लोग पूछ रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या हो रहा है। अब भी रूम में बैठी हूँ ना, बाहर गाड़ी चली तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। रूम में बैठ के भी बहुत शोर आता है यहाँ पर। आजकल सीज़न है ना, तो फिर गाड़ियाँ तो चलती ही रहती हैं। तो फिर ब्लॉग इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि फैमिली में एक मिसहैपनिंग हो गई थी, इसीलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो सब लोगों ने मुझे बहुत बोला, तो फिर सोचा मैंने कि चलो मैं आज ब्लॉग बना लेती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ दीदी के घर, क्योंकि बहुत टाइम से ना वो मुझे बुला रहे थे तो मैं नहीं जा पाई। तो आज मैं जा रही हूँ और आज डोरा को ना 3-3 इंजेक्शन लगने वाले, तो बेचारा बड़ा रोएगा। तो फिर सोचती हूँ चलो आज ही मैं चली जाती हूँ और उसे भी मिल लूँगी। तो अभी चलते हैं शॉप, देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं शॉप में। तो गाइस, ये लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पानी आया है और दीदी वॉशरूम साफ कर रही है। तो मैं दीदी को नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी। अभी मुझे कुछ सामान लेना है तो मैं वो सब ले लेती हूँ, पैक कर लेती हूँ, फिर वो लोग भी आ जाएंगे, फिर जाना है। मैं यहाँ बैठ कर ठंडी हवाएं खा रहे है। ये देखो यहाँ फैन लगा है क्योंकि यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत गर्मी। पर अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा धूप भी है, तो फिर बुरे हाल हो जाते हैं यहाँ पर, बुरे हाल है ना। तो हमने कल मम्मा की फ़ोटोज़ ली थी कुछ, तो मम्मा ने बोला कि मेरी फ़ोटो ले लो, मैं कहा ठीक है। तो फिर अभी इन्होंने बोला कि मुझे फ़ोटोज़ भेज दो, तो मैंने इनको भेज दी। तो मम्मा बोलते हैं कि फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आई हैं। क्यों अच्छी नहीं आई बताओ? तो ये बोलते तो ये बोलते कि इसका फ्लेवर अच्छा नहीं है, ये कोई खाने की चीज है जो मेरी, तू तो मेरी मजाक ही करती है, हर ब्लॉग में मेरी मजाक बड़ी है ना। अरे मजाक करना चाहिए तो क्या हो गया, यही लाइफ है ना, लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए। गाइज, मुझे अभी ना मीशो से पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैं अभी ओपन ही कर रही थी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया है। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई है, बहुत ही अच्छा ये। इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है और ये इसका प्लाजो है और ये इसका दुपट्टा है। काफ़ी अच्छा आया है, कॉटन है, प्योर कॉटन। तो मैं ट्राई करती हूँ अभी। सो मैं थोड़ी देर में अब जाने वाली हूँ ना, तो मैं इसके ऊपर से ही डाल देती हूँ, जस्ट देख लेती हूँ कि फिटिंग कैसी है। वैसे मैंने मीडियम साइज़ मंगवाया था, बट फिर भी शायद मुझे लग रहा है कि लूज़ होगा क्योंकि मैं पतलू हूँ ना, इसलिए। सो गाइज, ये कुछ ऐसा लग रहा है, देखो कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताना। मैंने प्लाजो नहीं पहना है, ये प्लाजो है, मैंने नहीं पहना है, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। मुझे लग रहा है कि ये प्रीटी लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। मेरा सूट तो बहुत ही अच्छा आया है और दीदी ने भी कुछ मंगवाया है, मैं देखती हूँ क्या मंगवाया दीदी ने। ये देखो यहाँ पर इसमें एक रेड और वाइट का ये प्लाजो और कुर्ती है, ये मंगवाया दीदी ने। और ये वाला पूजा दीदी का है,
फ्रॉक है ये भी अच्छी है, इसका कपड़ा भी अच्छा है, अच्छा है इसका कपड़ा। पता नहीं कितने का है, पता नहीं। एक ये कुर्ती है रेड कलर की और ये प्लाजो है इसके साथ। वाओ, कौन लाया इसके लिए जाली? खुश हो गए। खुशी तो देखो, खाई जब आज भी गंदे सब। तो गाइस हम पहुंचे हैं अभी घूमा, तो फिर घर पे ना कुछ शूट नहीं कर पाई थी, बहुत से लोग थे, फिर मैं नहीं कर पाई शूट। तो अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाँ ना बुरे हाल हो गए हमारे, तो गाड़ी में बहुत गर्मी है। अभी थोड़ी धूप गई है तो अब थोड़ी देर में जाएंगे घर। सो गाइस मैं खा रही हूँ अभी प्लम, देखो इसका साइज लग रहा है एप्पल की तरह। यहाँ पर हो रही है समोसा पार्टी, ये हम खा रहे हैं समोसा और भूख लगी है सुबह से, रात राम मंदिर में खाया है ऐसे, भूख लग जाती है ना। सो गाइस हम 4 बजे घर पहुँचे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना आज, उफ बहुत ज़्यादा। और मैं सुबह 10 बजे की रेडी हुई थी और ये लोग आ रहे हैं 3 बजे, अभी हम पहुँच रहे हैं 4 बजे घर। तो अब रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में। मंत्री जी आ गए। ओ मेरी कन्या, नहीं नहीं नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और घर पे हो रही है सफाई, तो मुझे रखा है प्रशु के पास क्योंकि ये अभी छोटा है ना, तो इधर उधर गिर भी जाता है और शरारत भी करता है। तो दीदी और आंटी सफाई कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं तो रिशु के पास हूँ और यहाँ पर ना इसने सारी चीज़ें इकट्ठा कर दी है। इधर आओ रिशु, आज आप क्या कर रहे हो अभी? हाँ नो, सॉक्स नहीं खाते। हेलो अच्छी, हेलो। प्रशु तो आराम से बैठे हैं और ये लोग कर रहे हैं काम, बाहर डाले थे बिस्तर धूप में और अब बारिश स्टार्ट हो गई है। सो गाइस हम थक के ना थोड़ी देर सो गए थे और ये जो नन्नू है ना यहाँ पर, इसने हमें सोने ही नहीं दिया, अपनी नीनी तो इसने पूरी कर ली और हमें नहीं सोने दिया। तो फिर ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करके ही जाना और लाइक भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।